A conducting rod PQ of length L connected to a resistance R is moved at a uniform speed V, normal to the uniform magnetic field B, as shown in the figure. Deduce the expression for EMF induced in the conductor. Now, EMF kya hota hai? Minus ka d phi by dt, minus ka d by dt of B into A. Already angle jo hai wo 0 degree hai. दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड और एरिया ऑफ द कॉइल में. सो हम ले सकते हैं कि डी बाई डी टी सॉरी ये और एरिया लिख सकते हैं किसी भी वक्त कितना एक्सपोज्ड है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, उसको एक्स ले लिया और ये लेंथ तो एल ही रहेगी, ये लीजिए एल एक्स. सो इम्फ कितना आ गया, माइनस का बी इंटू एल एंड डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी. माइनस मेंटेन रहेगा क्योंकि एक्स इंक्रीज हो रहा है, तो माइनस का बी एल वी आंसर आ गया. सेकेंड पार्ट, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द रॉड इन द मैग्नेटिक फील्ड. फोर्स को हम लोग होता है आई एल बी और आई क्या होता है ई एम एफ डिवाइड बाई आर इंटू एल बी. सो ई एम एफ क्या हो गया, बी एल वी इंटू एल वी डिवाइड बाई आर. सो वी गेट बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर. लेट्स गो फॉर द थर्ड ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन. मार्क द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द सर्किट. अब देखिए ये कॉइल जो है ये लो मैग्नेटिक रीजन से हाई मैग्नेटिक रीजन में जा रही है और फ्लक्स अंदर की तरफ इंक्रीज हो रहा है. जब भी फ्लक्स इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉइल का एरिया बढ़ रहा है एक्सपोज टू द मैग्नेटिक फील्ड. मैंने पहले भी बोला है जब भी फ्लक्स इंक्रीज हो तो हमेशा इंड्यूस्ड फ्लक्स अपोजिट दिशा में पैदा होगा. तो अपोजिट दिशा में पैदा होने का मतलब बाहर की तरफ, तो सर्किट में जो करंट होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, यानी कि पी टू क्यू. डायरेक्शन ऑफ कंड्यूस करंट इन सर्किट इंडक्टर इज पी टू क्यू. दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन.